आज का ये सत्र श्रीमद एसी भक्ति विधान स्वामी शिल्पव का मैं समर्पित करती हूँ जो कि इस के संस्थापक आचार्य हैं उसके बाद मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ तो हम भगवत गीता का अध्याय दो का अध्ययन हम सब लोग ही साथ में कर रहे हैं तो इस अध्याय दो का जो शीर्षक है वह गीता का सार है और हमने बताया था कि गीता का सार क्यों है क्योंकि इसमें भगवान ने तीनों जो योग है कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीनों को थोड़ा थोड़ा स्पर्श किया है तो इसी वजह से इसको गीता का सार कहा गया है तो दूसरे अध्याय में बहत्तर श्लोक हैं। इसके बाद जो हमने इसके पहले तीन भाग कर लिए हैं जिसमें अर्जुन का अनिर्णय जो कि आखिरी कारण था उनका युद्ध न करने का और फिर वह भगवान कृष्ण को गुरु स्वीकार कर लेते हैं फिर उसके बाद कृष्ण भगवान उनको ज्ञान देते हैं आत्मा और शरीर के बारे में आत्मा और पदार्थ के बारे में तो वह ज्ञान योग्य सांख्य योग के अंतर्गत आता है और पिछले में हमने सकाम कर्म कर्म कांड जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य करो कर्तव्य करने से कोई हानि नहीं है अगर कर्तव्य करोगे तो या तो यहाँ पर पृथ्वी पर तुम्हें भोगने को मिलेगा राज्य नहीं तो अगर युद्ध करते हुए मारे जाओगे तो स्वर्ग में तुम्हें जगह मिलेगी तो इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करने से कभी भी कोई नुकसान नहीं है आनंद मिलता है तो इस प्रकार उन्होंने उनको कर्म कांड के बारे में सकाम कर्म के बारे में पिछली बार समझाया था और हमने आपको यही बताया था कि अः यह धीरे धीरे भगवान सबसे पहले उनको ये कह रहे हैं कि कर्तव्य करना जरूरी है सब काम कर लेकिन धीरे धीरे उनको वह उच्चतम जो स्तर है भक्ति युग तक ले जाना चाहते हैं तो इसलिए सबसे पहले कर्मकांड के बारे में समझाया और आज का जो हमारा खंड है इसमें वह अड़तीस से तरेपन श्लोक आते हैं उसी के अंतर्गत निष्काम कर्म योग जिसे हम बुद्धि योग भी कहते हैं तो इसमें प्रतिक्रियाओं के बिना विरक्ति पूर्ण कर्म कि हमें अपना कर्तव्य करना है लेकिन उसका फल क्या होगा फल की चिंता किए फल से हमें विरक्ति रखनी है अपने कर्तव्य को करना है फल से विरक्ति करते तो हुए तो आज हम इसका प्रारंभ करेंगे और इसके अंतर्गत ही क्योंकि ये कर्म योग शब्द आ रहा है यहाँ पर तो हमें ये बहुत जरूरी है समझना कि जो ये योगा की सीढ़ी है ठीक है ना यहाँ से योग चालू होते हैं तो विभिन्न जो योग हैं कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग तो उसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं उसमें क्या क्या आता है तो पहले हम ये पढ़ेंगे इसके बाद हमें ये योग अच्छे से समझ में आएंगे इसलिए हमने आज का सत्र ज्यादातर ये योगा सीढ़ी पर रखा है आज हम श्लोक ज्यादा नहीं करेंगे योग सीढ़ी के बारे में आपको बताएंगे और जो आखिरी खंड है उसमें बच जाता है स्थित प्रज्ञा मुक्त आत्मा के गुण जो इस इस स्तर पर आ जाता है जैसे समझ में आ जाता है कि भक्ति योग या हमें भक्ति करनी है तो ऐसे जो मनुष्य की क्या गुण होते हैं जीवन मुक्त मनुष्य के क्या गुण होते हैं तो वह है आखिरी तो आज का जो सत्र है उसमें निष्काम कर्म योग प्रतिक्रियाओं के बिना पूर्ण कर्म इससे हम क्या समझते हैं हम देखेंगे तो थोड़ा सा एक बार ये जो स्लाइड देखते हैं कि अर्जुन ने योजना करने के अभी बहुत से कारण बताए ठीक है उन्होंने बताया कि जब मित्र तथा संबंधी के प्रति करुणा हो जाती है तो कृष्ण उन्हें संबोधित करते हैं ग्यारह से तीस ज्ञान सांख्य से उनको आत्मा और पदार्थ की ज्ञान देकर तो वो हम कर चुके हैं फिर दूसरे प्रश्न में वह पूछते हैं कारण में कि विजय होकर भी मुझे कोई आनंद नहीं तो इसके उत्तर में भगवान ने पिछली बार जो हमने समझा था कर्म कांड सकाम कर्म की युद्ध करना कर्तव्य करना तुम्हारा धर्म है और कर्तव्य करने से ही तुम्हें आनंद मिलेगा उसमें कोई हानि नहीं है तो ये हम समझ चुके हैं तो कारण है पाप के प्रतिक्रियाओं से भय तो अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध करने से मैं इतने लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा तो इसके उत्तर में हमने तैतीस में तो देखा ही कि भगवान ने कहा कि युद्ध से भागने से पाप लगेगा ना कि युद्ध करने से और अब जो अड़तीस से अः में हम देखेंगे कि भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग के माध्यम से समझाते हैं कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा और फिर इसके बाद पारिवारिक परंपराओं का नाश होगा अर्जुन कहते हैं ये युद्ध करने से तो भगवान इसको 45 से 46 और फिर तीसरे अध्याय में समझाएंगे कि कैसे नहीं होगा क्योंकि मैं हूँ तो तुम इन की चिंता मत करो कि क्या पारिवारिक परंपराओं का नाश होगा या नहीं होगा क्योंकि मैं युद्ध चाह रहा हूँ तो इस इस बारे में तुम्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आखिरी जो उनका कारण था वह था तो वह हम हम नंबर में देखेंगे तो आगे आज जो हम करने वाले हैं उसका अब तक जो सारांश था उसको हम देखते हैं कि पहले तो पाप की प्रतिक्रियाओं के डर से अर्जुन युद्ध से बचना चाहते थे यह वह है? पूछते हैं पहले अध्याय में 36 और 38 में कि उन्हें कैसे पाप लगेगा तो अर्जुन को कृष्ण बताते हैं कि युद्ध के कर्तव्य से भागने से पाप लगेगा ना कि युद्ध करने से जो नंबर में हमने पढ़ा तो अब अर्जुन को जो लड़ने के लिए, के लिए लिए प्रेरित करने कृष्ण भगवान ने सबसे पहले ज्ञान योग के बारे में बताया सांख्य योग के बारे में ग्यारह से तीस में और फिर इकतीस से तैतीस में उन्होंने सकाम कर्म या फिर कर्म कांड समझाया कि अपना कर्तव्य करो और उससे कोई नुकसान नहीं है तुम्हें आनंद मिलेगा अब इस खंड में जो आज हम चालू कर रहे हैं उसमें बताएंगे कृष्ण की कोई व्यक्ति फल से विरक्त रहकर कर्तव्य करके सभी से कैसे बच सकता है, इसका ये मतलब है कि हम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं तो पहले तो भगवान ने थोड़ा सा समझाया कि कर्तव्य करना जरूरी है ठीक है तो तुम्हें उसका फल मिलेगा चाहे स्वर्ग मिले चाहे राज्य मिले लेकिन यहाँ पर एकदम से कृष्ण भगवान अपना जो Uh, वो है वो बदल रहे हैं कि नहीं अपना कर्म करो फल की चिंता किए बिना जो तुम कर्म करोगे वह मुझे ध्यान रखते हुए करो ठीक है मेरे लिए करो तो फिर तुम्हें उसका जो कर्म फल से बंधन हो जाता है कर्म करने से हमारे को बहुत से फल मिलते हैं इस जन्म में या अगले जन्म में हम कर्म फन, बंधन से बंध जाते हैं तो उससे तुम मुक्त हो जाओगे अगर तुम सारे कर्म मेरे लिए करोगे तो यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि फल 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 के आसक्त नहीं रहकर कर्म कर्म करो फल रक कर, कर्म करो से रखकर तो अब अर्जुन को ज्ञान और वैराग्य के साथ भगवान को अर्पित करके कर्म करने को कहते हैं जिसे हम निष्काम कर्म कहते हैं तो वो यह कह रहे हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें ज्ञान दिया ठीक है उस ज्ञान के माध्यम से तुम अपना कर्म करो और फल के प्रति वैराग्य रखकर भगवान को अर्पित करो इस कर्म को हम निष्काम कर्म कर और इस प्रकार जब हम कार, काम करेंगे तो हमारा जो मन है हमारी जो इंद्रिया है वह धीरे धीरे पवित्र हो जाएंगी और उनके पवित्र होने से धीरे धीरे हम भक्तियों की तरफ अग्रसर कर सकते हैं ठीक है ना तो यह है हमारा पहला पहला स्तर है जिससे हमारे मन और इंद्रियों की शुद्धि होगी जब हम फल की चिंता नहीं करेंगे तो अब आज का जो ये श्लोक है द्वंद में समभाव कोई इस अड़तीस नंबर को श्लोक को पढ़ना चाहेगा मैं पढ़ू माता जी हाँ जी बोलिए हरे कृष्णा सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जयो तो ठीक है धन्यवाद तुम, तुम सुख या दुख हानि या लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा भगवत गीता टू पॉइंट सेवन थर्टी ठीक है थैंक यू बसारी जी तो द्वंद में संभाव तो यहाँ पर कृष्ण अब सैतीस में तो उन्होंने क्या कहा था दो नम आ, इस अध्याय के सैतीस में आखिर में उन्होंने कहा था कि तुम युद्ध करो और तुम्हें युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी अब वो एकदम से अपना बदल रहे हैं कि युद्ध करना जरूरी है लेकिन मन में तुम सुख दुख जीत या हार जैसे कि सुख दुखे चाहे वह कर्म करने से तुम्हें सुख मिल रहा हो चाहे दुख मिल रहा हो चाहे लाभ मिल रहा हो चाहे हानि हो रही है लाभ लाभ हो जया जय हो या तो जय होगी या पराजय होगी तथा उद्याय उजस्व पापम आप अब तो कह रहे हैं कि इन सब के बारे में चिंता मत करो युद्ध करो युद्ध करने के लिए या फिर मेरे क्योंकि तुम्हें युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है वह तुम्हें करना है लेकिन उससे जो फल मिलने वाला है उसको बिल्कुल भी ध्यान में मत रखो और ऐसा अगर करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा तो वह अब जो ये अर्जुन का प्रश्न था कि मुझे ये करने से युद्ध करने से पाप लगेगा उसके उत्तर में अब है बता रहे हैं कि नहीं अगर तुम ऐसा उसके जो उसका जो रिजल्ट होगा युद्ध करने का उसको बिल्कुल भी ध्यान में मत रखो ठीक है ना तो ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा पहले भी भगवान Uh, 2.14 में कहते हैं मात्रस स्पर्शास्तु कौन तय शीतोष सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य स्थान भारत तो तुम चाहे सुख हो चाहे दुख हो गर्मी हो या तुम ये अपना कर्तव्य करो या उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ठीक है ना तुम अपना संभाव रख के आगे बढ़ो तो ऐसा करने से फिर वह पंद्रह में कहते हैं कि तुम मुक्ति के योग्य बन जाओगे अगर हम द्वंद से परेशान नहीं होंगे चाहे हमारे जीवन में सुख आ रहा है दुख हो रहा है किसी कार्यवश हानि हो रही है लाभ हो रहा है तो हम परेशान नहीं होंगे और इस भक्ति पद में हमेशा दृढ़ बने रहेंगे ये सब चीजें हमें परेशान नहीं करेंगे तो इस चीज से हम अपने कर्म को करना चाहिए तो अब यहाँ पर क्योंकि ये कर्म योग या निष्काम कर्म योग जो कि योगा सीढ़ी की पहला डंडा है जैसे कि ये हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं इसमें ये सीढ़ी है तो सीढ़ी में आप सबसे देख रहे हैं कि सबसे पहला जो है वह कर्म योग है जो कि हम अब अगले सत्य और आज पढ़ेंगे निष्काम कर्म योग। उसके बाद ज्ञान योग आता है उसके बाद ध्यान योग आता है और भक्ति योग आता है तो यहां से योग शब्द का प्रारंभ हो रहा है पहले भी हमने बताया था कि योग से क्या मतलब है तो कोई बता पाएगा योग व जो शब्द है हिंदी का उससे क्या हम समझते हैं योग से जुड़ना नहीं होता हाँ योग में हम हिंदी में कहते हैं योग जुड़ना योगदान करो मतलब साथ आ जाओ या जुड़ो किसी चीज से तो योग से हम यही समझते हैं कि हमें किसी चीज से कनेक्ट होना है किसी चीज से जुड़ना है तो यहाँ पर क्योंकि हम गीता पढ़ रहे हैं तो हमें किससे जुड़ना है भगवान से तो जब आत्मा का परमात्मा से योग हो जाता है योग मतलब उसमें लीन होना नहीं जब हम आत्मा परमात्मा की सेवा में लग जाती है ठीक है वह हमेशा परमात्मा को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म करती है तो उसको हम योग कहते हैं तो योग शब्द आया है इसीलिए जो विभिन्न योग है ये भगवदगीता में भगवान हमें बताते हैं समझाते हैं तो अब आगे हमने अभी तक देखा कि कुछ लोग बड़ी पाप में प्रवृत्ति के होते हैं वह लोग हमेशा पाप कर्मों में लगे रहते हैं जैसे कि इस पिक्चर में आप हाँ देख सकते हैं कि ये कौन है है ना ये जो राज्यसभा थी यहाँ पर धुरोधन किस प्रकार से एक राजा होने के बाद भी वह हमेशा दूसरों से ईर्षा रखना या इस तरह के कर्म करना था उन्होंने दुर्योधन द्रौपदी के चीरहरण के लिए कहा था तो वह बड़ा ही पापी प्रकार का व्यक्ति था इसी प्रकार से और भी उदाहरण आते हैं महाभारत में जैसे कि शिशुपाल जैसे लोग हैं या हम कह सकते हैं हिरण कशिपू है रावण है तो इन सब की जब हम कथाएं सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कितना आ, पापी है तो ऐसे लोग तो योग के बारे में सोच भी नहीं सकते ये जो पापी लोग हैं ये अभी कुछ स्तर ही नहीं है इनका ये तो सीढ़ी के परे हैं उस सीढ़ी से परे हैं क्योंकि ये लोग शास्त्रों के खिलाफ कार्य करते हैं इनको शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है ना भगवान को मानते हैं दुर्योधन के सामने तो भगवान स्वयं थे तो भी उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना और भगवान को वो पता नहीं क्या क्या कहते थे कि ये तो ग्वाला है ये है उनको बांधने के लिए भी उन्होंने आदेश दे दिया था तो वह भगवान को नहीं समझ सके वो है उनके सामने होने के बाद भी भगवान को नहीं पहचान पाए तो ये लोग शास्त्रों के खिलाफ कार्य करते हैं तो इनको कहते हैं कि ये पापी क्या करते हैं और ये तो योग योगशी का बिल्कुल हिस्सा ही नहीं है इसका और हम देखते हैं कि आज के जो ये कलयुग है कलयुग में ज्यादातर लोग इस तरह की पापी क्रियाओं में ही लगे हुए हैं अगर हम कह सकते हैं कि निन्यानवे प्रतिशत लोग इस तरह के पाप कर्मों में लगे रहते हैं उनको भगवान से शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है वह सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति से मतलब रखते हैं इंद्रिय तृप्ति जहाँ पूरी हो रही है वह सुबह से शाम तक उसी के बारे में सोचते हैं कि कैसे अधिक से अधिक धन संग्रह कर सकते हैं और उस धन को संग्रह करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और हम आमतौर पर कलयुग में कितनी ज्यादा ये किसी की हत्या करना चोरी करना या फिर पॉलिटिक्स में कुछ भी तरीके से कोई भी हथकंडा अपनाकर वह पाप में लगे हुए हैं बहुत ही कम लोग हैं जो थोड़ा बहुत शास्त्रों को आ, उसका पालन करते हैं या उसके अनुसार कार्य करते हैं तो अब अगला जो हमारा खंड है वह है कर्म कांड का सकाम कर्म का जो कि हमने पिछली बार पढ़ा था हमारा वह लोग शास्त्रों में विश्वास करते हैं शास्त्रों के अनुसार अपना कर्म करते हैं कम से कम वह पाप के में नहीं लगे रहते वह शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का कोशिश करते हैं और उन्हें पता है कि वेदों में यह चीज लिखा है कि ये हमें करना है और ये हमें नहीं करना है तो वह उसका अनुसरण करने का कम से कम प्रयास करते हैं है ना वह कोई भी गलत काम किसी भी हद तक गलत काम नहीं करेंगे वह कुछ शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो ऐसे लोग को हम कहते हैं कि ये फलदायी कार्य करता है मतलब फल के लिए फल के लिए अपना कार्य कर रहे हैं जैसे कि स्वर्गीय ग्रहों की उन्नति के लिए अनुष्ठान करना वह चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो वह अपना दिमाग में रखते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा इंसान है दान पुण्य करता है पूजा पाठ करता है तो इसे तो स्वर्ग मिलेगा और जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं इनका स्वर्गवास हो गया है ना कोई भी नरक नहीं जाना चाहता तो सभी लोग स्वर्ग में जाने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन हमें और आपको पता है कि स्वर्ग भी इस भौतिक जगत का ही एक हिस्सा है हो सकता है कि स्वर्ग में हमें थोड़े ज्यादा सुख सुविधाएं मिले ठीक है वहां पर हमें दुख कम हो, है ना? हम मौज मस्ती ज्यादा कर सके इंद्रिय को ज्यादा तृप्ति दे सके है ना लेकिन जब हमारी जो ये हमने पवित्र काम करे थे पवित्र कार्यों की वजह से हमें सुख की प्राप्ति हुई स्वर्ग की प्राप्ति हुई लेकिन वह जो कर्म है उसका फल कभी ना कभी समाप्त होगा है ना समाप्त जब हो जाएगा तो हमें फिर से धरती पर लौटना पड़ेगा क्योंकि हम स्वर्ग जाके भी इस जो जन्म-मृत्यु चक्र है उससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे है ना उससे परे जाने के लिए जन्म मृत्यु से परे जाने के लिए तो हमें गोलुक धाम जाना होगा भगवान के धाम तभी क्योंकि वह भौतिक जगत से अलग है वह आध्यात्मिक जगत है अगर हम वहां पहुंच गए तो फिर हम इस चक्र से छूट सकते हैं लेकिन स्वर्ग पर जाने पर भी हम छूट नहीं सकते तो ये कर्म कांड है कि कर्म करने से अच्छे कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो जो हमारे जो वेद वगैरह हैं वे हमें यही इसका थोड़ा सा वो बताते हैं कि हमें कैसे अर्थ कर्म काम मोक्ष इस बारे में वह ज्यादातर बताते हैं लोग लोगों को कहते हैं ऐसे ऐसे कर्म करने चाहिए ये नहीं करना चाहिए ये अनुष्ठान करो ये व्रत करो इस तरह की चीजें करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी है ना तो शास्त्रों के अनुसार वह विनियमित इंद्रिय तिप्ति करते हैं इंद्रिय तिप्ति करते हैं उसी के लिए तो कर्म कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल रूप में वह अनिम ऐसे नहीं हो जाते बिल्कुल पापी लोगों जैसे वह काम तो इंद्रिय तिप्ति के लिए ही कर रहे हैं क्योंकि स्वर्ग में जाना भी एक तरह की इंद्रिय तिप्ति है वह स्वर्ग में जाके अपने इंद्रियों को और ज्यादा अधिक तृप्त करना चाहते हैं जैसे कि हम एक भौतिक जगत का भी एक अः सीधा सा उदाहरण ले सकते हैं हम सोचते हैं कि भारत में हम रह रहे हैं यहाँ तो बहुत दुख है बाहर अगर हम विदेश में चले जाए अगर हम यूएस में चले जाए या फिर जापान चले जाए तो वहां तो इतनी सुख सुविधाएं हैं तो वहां पे तो जीवन कितना आसान हो जाएगा तो ये सोचकर भारत के लोग परेशान होते रहते हैं लेकिन वह भी क्षणिक है वह सुख अगर वहां जाएंगे तो वह भी क्षणिक होगा और मृत्यु के साथ वह समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पर ज्यादातर यही है कि हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने के लिए कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार है ना इसमें आध्यात्मिक उन्नति करने की कोई इच्छा नहीं होती मन में लेकिन फिर भी ये लोग क्योंकि थोड़ा बहुत शास्त्रों को अनुसर कर रहे हैं ना? उसका अनुसरण कर रहे हैं तो कभी चांस इन ऐसे लोगों की मुलाकात किसी भक्त योगी से हो जाए है ना किसी भक्त से हो जाए तो क्योंकि वह पापी नहीं है और शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए अपना कर्म कर रहे हैं चाहे इंद्रिय तृप्ति के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं लेकिन जब भक्त उन्हें समझाएगा कि स्वर्ग तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए है ना तो उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है और उनका धीरे धीरे उनका मतलब उनका जो अः मन है वह पवित्र हो जाएगा तो फिर भी हम सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों का कुछ चांस है आगे बढ़ने का लेकिन फिर भी कर्म कांड को हम इस सीढ़ी में नहीं डाल सकते है ना तो सीढ़ी का जो प्रारंभ होता है वह अच्छा एक सिंपल सा ये उदाहरण है कि ये एक लाइन लगी है कोई सोच सकता है इस लाइन को देख के कोरोना में ये लाइन किस लिए लगी होगी क्या आपके दिमाग में आता है इसको देखकर कोविड का टीका लगवाने के लिए और कोई कुछ सोच सकता है जब कोविड का लॉकडाउन खुल जाता है तो ये लाइन लगी है लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो ये लंबी लाइन लग गई है किस चीज के लिए लगी है शराब के लिए लगी हुई है हाँ जी सही आपने बिल्कुल गैस किया तो ये जैसे ही लॉकडाउन लग जाता है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो सरकार है वह सोचती है कि ये शराब की दुकानें हमें आप खोल देनी चाहिए बहुत नुकसान हो रहा है और ये अधिकृत होता है मतलब सरकार ने इसको अधिकृत किया हुआ है ऐसा नहीं कि ये कोई कार्य है, है ना अधिकृत कार्य है तो मतलब जैसे कि हमने बताया कि शास्त्रों के अनुसार हम कर रहे हैं वैसे ही ये गवर्नमेंट के अनुसार सरकार के अनुसार अधिकृत है तो ये लोग इसके लिए शराब के लिए लाइन लगाए है, है ना तो वह अपना इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं सरकार के अधिकृत जो कार्य है उसके अंतर्गत सरकार ने इसको अलाउ कर रखा है है ना वैसे ही शास्त्रों ने कुछ कर्मों को अलाउ कर रखा है हम ऐसा कर्म कर रहे हैं तो ये कर्म कांड की स्थिति में आ जाता है तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कर्म कांड क्या है है ना तो हमारे जो अधिकृत चीजें हैं हैं उसके अंतर्गत रहकर हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो इससे हमने कर्म कांड को समझाया है अब अगला ये कर्म योग है निष्काम कर्म योग ठीक है तो यहाँ से योगा सीढ़ी का प्रारंभ होता है ये पहला डंडा हम मान सकते हैं इस सीढ़ी का ठीक है ना तो इसका मूलभूत सिद्धांत हमने आपको अभी पहले ही बता दिया कि परिश्रम जो कर रहे हैं उसके फल की अपेक्षा न करना ये कर्म करने से मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा बस हमें कर्म के आसक्त रहना है काम करते रहना है जो हमारा कर्तव्य है वह हमें करना है और ऐसा करने से जब हम जब फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो हमें एक अजीब तरह की हमें मन को एक शांति मिलेगी हम ज्यादातर इस चीज को छोड़ के परेशान होते हैं यार मैं कार्य कर रहा हूँ सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा है ना तो अगर इतनी चिंता करके हम कार्य करेंगे तो कार्य भी अच्छे से नहीं होगा और हमारा मन अशांत हो जाएगा बिल्कुल तो हम दिन पर दिन कैसे कार्य कर पाएंगे तो इस प्रकार का अगर हम सोच के करें कि मैं अपने अच्छे से अच्छा कर रहा हूं जितना मैं कर सकता हूं और उसके बाद फल को हम भगवान पर छोड़ दें तो हमारा मन शांत होगा और दूसरा ये भी हो सकता है कि इसमें क्योंकि भगवान की एंट्री हो गई है भगवान की एंट्री क्यों क्योंकि यहाँ पर हम कर्म कर रहे हैं फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी हम कर्म कर्म कर रहे हैं उससे जो हमें फल मिल रहा है उसका कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं सेवा में लगाने से क्या होगा कि हमारे मन में यह है कि ये सिर्फ मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं आना चाहिए जो ये पैसा मैंने कमाया है या ये मैंने कार्य किया है तो इससे जो मुझे पोजीशन मिली है या धन मिला है उसको सिर्फ मैं ही भोगूंगा नहीं वह भगवान को ध्यान में रखते हैं और इसीलिए उसका कुछ हिस्सा भगवान की सेवा के लिए अलग कर देते हैं जैसे कि हम घर में खाना बनाते हैं और भोग लगाते हैं तो हम सारा का सारा खाना तो भोग नहीं लगा सकते भगवान के लिए एक प्लेट में हम सब चीजों को रखते हैं तुलसी डालकर भोग लगाते हैं और फिर ऐसा करने से हमारा जो पूरा खाना है वह भोग से प्रसाद में बदल जाता है उसी प्रकार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी हम धन कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा अगर हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं मंदिर में दान दे रहे हैं उससे हम शास्त्र खरीद रहे हैं कुछ किताबें खरीद रहे हैं या भगवान के विग्रहों की सेवा में खर्च कर रहे हैं तो ऐसा करने से जो बाकी पैसा हम हमारे लिए उपयोग में ले रहे हैं हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी भी चीज के लिए तो उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है तो इससे हम निष्काम कर्म योग है कि हम हमारा कर्तव्य भी कर रहे हैं कर्म भी कर रहे हैं और भगवान को ध्यान में रख रहे हैं भगवान को सेंटर में रख रहे हैं और इससे मन की शांति हो रही है अब इसमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है इसके एक उदाहरण से हम आपको समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा जैसे कि एक व्यक्ति है या एक भक्त है उसको मंदिर में सेवा करने को मिली ठीक है अब ये मंदिर में सेवा करने जाता है ठीक है अब मंदिर में उसको कुकिंग की सेवा है वह भोग बनाता है तो वह मंदिर जाएगा अपना अपने जो भी भगवान के लिए भोग वो बनाया उसे पता है कि भोग बनाऊंगा भगवान को अर्पित होगा सब भक्त लोग खाएंगे वह अपना अच्छे से ये ध्यान में रख के भोग बनाता है उसमें कोई त्रुटि नहीं करता ये नहीं कि उसका फल उसे नहीं मिलेगा वह भोग बना के अपना घर चला जाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि यार मैंने खाना बनाया है तो ये कैसा बना होगा इसका कैसा स्वाद होगा उसे इसकी चिंता नहीं है और वह सिर्फ अपना कर्म किया और चला गया तो इसको बोलेंगे निष्काम कर्म योग अब ऐसे व्यक्ति को और एक दूसरा व्यक्ति है वह भी कोई सेवा करने आया है ना उसने भी खाना बनाया भोग के लिए लेकिन वह अपने मन में क्या रख रहा है कि ये खाना कैसा बना होगा इसको मैं चक्कर देख लू लोग मेरी प्रशंसा करें मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है तो वह यहाँ पर उसके फल की इच्छा रख रहा है प्रशंसा की इच्छा रख रहा है तो इसमें वह वह कर्मकांड में आ जाता है लेकिन जो ये भक्त है जो अपना खाना बना के अच्छे से चला गया और उसको इस बात की चिंता नहीं है कि वो अच्छा था और लोगों ने प्रशंसा की उससे कोई मतलब नहीं है तो वह निष्काम कर्म ही आ जाता है और ऐसा व्यक्ति जो निष्काम कर्म योगी होता है उसको अपने जो काम है उससे बहुत ज्यादा आसक्ति होती है फल से आसक्ति नहीं है लेकिन काम से आसक्ति है जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर उस व्यक्ति को हम कह दें कोई सीनियर भक्त है मंदिर में वह कह दे कि आज तो तुम्हें मंदिर की सफाई करनी है आज भोग नहीं बनाना है तो वह सोचने लगेगा और वह कहेगा कि नहीं ये मंदिर की सफाई मैं नहीं कर सकता मैं तो भोग बनाने आया हूं सिर्फ भोग बनाऊंगा तो वह अपने कर्म के प्रति आसक्त है वह कोई और कर्म नहीं करेगा है ना तो यहाँ पर हम अंतर कर सकते हैं कि ये निष्काम कर्म योग है और अगर वह भक्त जो उसे काम दिया जाए मंदिर में चाहे उसे बोले कि आज खाना बनाना है आज तुम मंदिर की सफाई कर दो आज विक्रोह की सेवा कर दो तो वह सिर्फ भगवान को बीच में रखेगा कि नहीं भगवान के लिए ये कर्म है और मुझे ये कर्म मिला है तो मैं कोई भी कर्म कर दूंगा चाहे वैसे सफाई का कर्म है चाहे भोग का समय वह काम से भी उसमें आसक्त नहीं है तो जब यह स्तर आ जाता है कि जब वह काम के प्रति भी आसक्त नहीं है और वह कोई भी काम करेगा भगवान के लिए तो फिर वह भक्ति योग बन जाता है वह भक्ति योगी बन जाता है तो उसका फिर कर्म योग से भक्ति योग की तरफ उसका झुकाव है ज्यादा वह यहां पर काम के प्रति भी आसक्त नहीं रहता तो इस प्रकार से हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि निष्काम कर्म योग क्या है और भक्ति योग क्या है वहां पर भक्ति योग में कर्म के प्रति भी आसक्त नहीं है वह कर्म करेगा भगवान के लिए चाहे कोई भी कर्म हो वह करने को तैयार रहता है तो अब आगे हम ज्ञान योग पे आते हैं ठीक है ज्ञान योग में हमने सांख्य योग अभी ग्यारह से तीस में पढ़ा था ठीक है ना ऐसे लोग जो ज्ञानी लोग होते हैं वह पूर्ण सत्य की तलाश में रहते हैं ठीक है ना तो अब हम पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर आए ठीक है ना? तो पहली सीढ़ी में हमने देखा कि कर्म के पति आ सकती थी यहाँ पर जो ज्ञानी लोग होते हैं वह पूर्ण सत्य की तलाश में उनको लगता है कि अब हमें ज्ञान हो गया है कि ये तो पदार्थ है ये जड़ है इसमें हम अपना समय क्यों व्यतीत करें हम आत्मा है तो वह पूर्ण सत्य की तलाश में खोजते हैं और वह सोचने लग जाते हैं कि मैं कर्म ही क्यों करूं? क्योंकि ये शरीर है ये तो जड़ है ये नश्वर है तो इसके द्वारा अगर मैं कोई कर्म करूंगा तो मुझे कर्म फल भुगतना पड़ेगा तो मैं कर्म को ही बंद कर देता हूं कर्म करना ही बंद कर देता हूं तो हम अगर कर्म नहीं करेंगे अगर कोई हम एक्शन नहीं करेंगे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा तो यहाँ ज्ञान योगी होता है वह लगता है कि मैं कर्म को छोड़ देता हूँ तो वह फिर जंगल की तरफ चला जाएगा वह किसी से मिलना जुलना बंद कर देगा तो हम सोच सकते हैं कि सन्यासी लोग या जो इस भौतिक जगत को सांसारिक चीजों को छोड़ सकते हैं वही इसकी और अग्रसर हो सकते हैं ज्ञान योग की ओर क्योंकि ज्ञान योग के लिए एक उचित वातावरण भी तो होना चाहिए है ना हम शहर में रहकर कैसे ज्ञान योग कर पाएंगे हर आए दिन आप अः कोई भी एडवर्टीजमेंट देखेंगे है ना कोई भी विज्ञापन देखेंगे तो आपका मन विचलित होगा है ना तो मन को अगर वश में रखना है तो हमें एक वा, उचित वातावरण चाहिए होगा तो ज्ञान योगी फिर ये सोचता है कि मैं कोई भी कर्म ही नहीं करूं तो मुझे कर्म फल नहीं लगेगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब कर्म की प्रधानता कम हो रही है कर्म की प्रधानता कम हो रही है ज्ञान की प्रधानता बढ़ रही है और ऐसा सोचने से धीरे धीरे मन का शुद्धिकरण बढ़ रहा है है ना एक और क्योंकि ये व्यक्ति क्या करते हैं ज्ञान ज्ञान द्वारा द्वारा अपने आत्मा से पदार्थ का अंतर कर पाते हैं तो इसलिए उनका मन शुद्ध होता है और फल का त्याग तो है ही क्योंकि वह तो पहले स्तर पर ही था ठीक है ना यहाँ पर तो वह कोई काम ही नहीं कर रहे तो वह कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं कार्य को अस्वीकार कर देते हैं आपको एक उदाहरण से समझाते हैं जैसे कि हमारे हाथ पर कोई चोट लग जाए है ना कोई घाव हो जाए तो घाव हो जाए तो अब वह दुख रहा है अगर अब हम कहें कि अब इस हाथ को मैं हिलाऊं ही नहीं अगर हिलाऊंगा तो दर्द होगा तो वह हाथ को एक जगह पर मतलब वह उसको हिलाना ही बंद कर दे तो इस तरह से यह ज्ञान योगी है कि मैं कोई कार्य करना ही बंद कर देता हूं क्योंकि तो कार्य करने से दुख मिल सकता है कर्म फल मिल सकता है लेकिन क्या हाथ को रोक देने से हाथ को नहीं हिलाने से वह घाव ठीक हो सकता है नहीं यह उसका सोल्यूशन तो नहीं है कि कर्म करना ही बंद कर दो तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान योग में यह रह जाता है कि यहाँ पर हम कर्म की प्रधानता धीरे धीरे कम होती जाती है ज्ञान की प्रधानता बढ़ती जाती है लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से भगवान की तलाश में हमारी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि इस तरह से हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते और इसमें हम ये भी समझ सकते कि यहाँ हम कोई फिजिकल एक्टिविटी काम नहीं कर रहे लेकिन हमारा जो मन है मन के द्वारा हम हमारी इंद्रियों को ज्ञान में लगाने की कोशिश कर रहे हैं है ना तो एक ये है कि हमारा जो मन है वह अभी भी सक्रिय है ना? मन अभी भी सक्रिय है चाहे हमने इस जो दुनियादारी की चीजों है उनसे हम थोड़ा विरक्त हो गए हैं तो ये ज्ञान योगी है ठीक है वह फल का भी त्याग करता है और कार्य को भी अस्वीकार करता है अब आगे हम बढ़ते हैं तो ये ध्यान योग आता है ध्यान योग को आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं अष्टांग योगी है ना जो लोग योग करते हैं और हमने देखा है कि जब कुंभ मेला होता है तो भी अलग अलग तरह के योगी आते हैं वह कुछ कुछ तपस्याएं करते हैं तो ऐसे जो तपस्वी लोग होते हैं जो किसी जगह पे जाकर किसी प्रकार का योग कर रहे हैं कोई आसन कर रहा है कोई प्राणायाम कर रहा है तो ऐसे लोगों को ध्यान ध्यान योगी योगी कहते हैं। तो इन ध्यान योगी का क्या है वह अपनी मन और इंद्रियों को इस योग के माध्यम से इस तपस्या के माध्यम से वह नियंत्रित करना चाहते हैं और अपने मन को भगवान के परमात्मा के प्रति केंद्रित करते हैं ठीक है ना तो ये ध्यान योगी कहलाते हैं जो ये ध्यान योग अष्टांग योग है हम छठे अध्याय में इसको विस्तृत में पढ़ेंगे है ना तो अष्टांग योग से हम कुछ समझते हैं कि इसमें आठ अंग होते हैं किसी को पता है या आठ अंग क्या है इसके ध्यान योग के अष्टांग के कोई एक आधा भी किसी को पता है तो बता सकते हैं यम नियम आ, आहार प्रत्याहार ध्यान धारणा मतलब ये पता है धन्यवाद हाँ, पहला जी तो यम और नियम फिर आसन और प्राणायाम फिर आता है प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तो ये इसके आठ अंग हैं तो जो नम यम और नियम है वे तो क्या कहते थी ये कार्य करना चाहिए और ये कार्य नहीं करना चाहिए उनको कहते हैं यम है और कुछ नियम है ठीक है ना तो और फिर आता है आसन और प्राणायाम तो जो ये आसन और प्राणायाम है ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारे रामदेव गुरु गुरु जी है जो पतंजलि योगा सिस्टम के लिए वो फॉलो करते हैं तो जो लोग योग योग करते हैं ना तो वह ज्यादातर इस आसन और प्राणायाम जो इसका अंग है अष्टांग का उस पर केंद्रित रखते हैं अपने को कि इस प्रकार का योग करेंगे और प्राणायाम की अलग अलग विधिया करेंगे अनेक प्रकार के योग आसन करेंगे तो हम अपने मन और मनोरंजन को वश में कर सकते हैं तो जो आजकल योग का चलन चल रहा है वह ज्यादातर इन दो अंगों पर ही उसका फोकस रहता है उनको यम और नियम के बारे में तो वह सोचते भी नहीं है कि क्या इसके हैं हैं डोंट्स है, करने चाहिए या क्या नहीं करनी चाहिए वह उनका मन बस ये आसन और प्राणायाम तक ही अटका रहता है इसके बाद की जो अः ये स्तर है उस पर भी वह नहीं पहुंच पाते हैं जैसे कि प्रत्याहार प्रत्याहार क्या है कि इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को हटाना है ना तो जैसे कि अगर हम आंख आंख हैं को आँख का आहार क्या है कुछ भी देखना है ना तो उससे हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें। या खाने का है खाना खा रहे हैं अच्छा अच्छा खाना खाने का हमारी इच्छा होती है तो उससे अपने आप को हटाना हो जाएगा प्रत्यय आहार उसके विरुद्ध जाना जो कि हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जा रहा है उससे विरुद्ध जाना इसको प्रत्येहार कह सकते हैं और उसके बाद धारणा ध्यान और समाधि धारण में हम अपने आप को कहीं फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको धारणा और उसके बाद ध्यान लगा है और ध्यान के बाद समाधि का जब हम हमारा ध्यान पूर्ण हो जाता है हम और ज्यादा किसी चीज पर हमारा मन केंद्रित हो जाता है परमात्मा पर केंद्रित हो जाता है तो हम समाधि के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो ध्यान की पूर्णता जो है वह समाधि है लेकिन अब हमने देखा कि अभी तक जो भी था कर्म योग है चाहे वह ज्ञान योग है चाहे ध्यान हो गए यहाँ पर जो योगी है वह खुद का प्रयास कर रहा है है ना? वह खुद पर निर्भर है कि नहीं मैं कैसे भी करके अपनी मन और इंद्रियों को वश में करूंगा चाहे वह योग के माध्यम से है चाहे वह ध्यान के माध्यम से है तो इसमें खुद का प्रयास प्रमुखता है ठीक है ना खुद के प्रयास पर वह निर्भर कर रहा है तो उसके विफल होने के विफल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं है ना और जो ये ध्यान योगी होते हैं ये अपना ध्यान परमात्मा पर लगाना लगाते हैं परमात्मा पर लगाते हैं तो इस प्रकार इन जो विभिन्न योगी हैं इनका अलग अलग गंतव्य होता है तो अभी हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे आने वाली में कि इन जो विभिन्न योगी हैं इनका गंतव्य क्या होता है इनका एम क्या होता है तो एक कहानी के माध्यम से हम बताते हैं कि ध्यान योगी भी कैसे विफल हो जाते हैं जैसे कि ये सौभरी मनी की कहानी किसी को पता है किसी ने कभी सुनी है सौभरी नाम के एक मुनि थे उनकी भागवतम में एक कथा आती है तो आपने किसी ने सुनी है तो बता सकते हैं ठीक है तो सौभरी मुनि ने क्या किया वह दुनिया की किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हुए मतलब जब वो दुनिया में इस जगत में थे तो उन्होंने अपने मन को इतना नियंत्रित किया कि वह बिल्कुल ही विचलित नहीं होते थे ठीक है ना कंट्रोल था उनको अपने आप पर अब उन्होंने सोचा कि मैं अंदर पानी के अंदर जाकर खूब घोर तपस्या करूंगा तो वह पानी में गए कई वर्षों तक उन्होंने वहां पर ध्यान योग का अभ्यास किया वो तो ध्यान योग कर रहे थे अब ध्यान योगी है अपना उनका खुद का प्रयास है वे अपने बलबूते पर कुछ दिखाना चाहते हैं करना चाहते हैं अब उन्होंने पानी के भीतर भी वो सोचा कि मैं जगत की चीजों से दूर चला जाऊंगा अंदर चला जाऊंगा तो मैं और भी ज्यादा इस भौतिक वातावरण से अपने आप को दूर कर लूंगा ठीक है ना तो भौतिक वातावरण से दूर करने से मैं बच जाऊंगा लेकिन वहां पर उन्होंने क्या देखा कि मछलियों का जोड़ा वह संयोग कर रहा था तो उस दृश्य को देखकर उनका मन विचलित हो गया और वह अपने योग से भटक गए ठीक है ना वो योग से भटक गए उन्हें फिर से पृथ्वी पर या जो भी वापस वे बाहर आए उन्होंने अपना इंद्रिय भोग किया इंद्रिय तृप्ति की जो उनकी इच्छाएं थी वह पूरी करी लेकिन क्योंकि उन्होंने योग किया था वह भटके लेकिन फिर बाद में फिर से योगी बन पाते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं लेकिन फिर भी भटक गए थे लेकिन हम देखते हैं कि इस युग में तो इस तरह का योग करना है ना यह बड़ा ही असंभव है यहाँ पर इसका कोई वातावरण ही नहीं है कलयुग में क्या हम सोच सकते हैं कि हम ध्यान योग कर सकेंगे अष्टांग योग कर सकेंगे ज्ञान योगी क्योंकि ऐसी ज्ञान योग और ध्यान योग करने के लिए सबसे प्राथमिकता क्या है संन्यास लेना पड़ेगा है ना तो वह इस कलयुग के लोगों के लिए कर्म सन्यास, कर्म से सन्यास लेना बहुत मुश्किल हो जाता है अर्जुन यहां तक भी भगवान कृष्ण को बोलते हैं, uh, 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 तो हैं? चंचलम ही मना कृष्णा बलवदी तो बलवी हाँ जी चंचला मना कृष्णा प्रमाथी बलवदृढ़ हाँ प्रमादी बलवदृढ़ तो इसमें वे कहते हैं कि मन तो ही चंचल है इसको वश में करना तो हवा को वश में करने से भी अधिक मुश्किल है तो इसलिए कलयुग में ये संभव ही नहीं है कि हम इस प्रकार का योग कर सके ठीक है अब हम ये आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं इसमें सीढ़ी और लिफ्ट तो अभी तक हमने सीढ़ी के बारे में पढ़ा कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पे जा रहे हैं और उसका जो सबसे उच्चतम स्टेप है वह भक्ति योग है ठीक है तो अब प्रश्न आ सकता है मन में कि हमें उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए या भक्ति योग तक पहुंचने के लिए क्या ये सारी सीढ़ियां क्रॉस करनी पड़ेगी तभी हम भक्ति तक पहुंच सकते हैं क्या ठीक है ना क्या हमें पहले कर्म योग करना होगा फिर ध्यान योग ज्ञान योग योग ध्यान योग, और फिर ही हम भक्ति तक पहुंच सकते हैं नहीं भगवान क्या कहते हैं कि अः सतत सततयुक्ता नाम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंती थे अगर तुम प्रीति पूर्वक प्यार से मुझे भजोगे ठीक है ना मेरी आराधना करोगे मुझे याद करोगे तो ददामी बुद्धि योगम तम मैं तुम्हें ये बुद्धि दूंगा ये नमाम उपयंती दे जिसके द्वारा तुम मेरे पास आ सकते हो तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि अगर कोई भगवान को प्यार से भज रहा है प्रेम और सेवा दे रहा है तो भगवान ये आश्वासन दे रहे हैं कि मैं तुम्हें ऊपर उठा लूंगा डूबना इस भौतिक संसार में डूबने नहीं दूंगा तो ये एक तरह से लिफ्ट का काम करेगा जो कि हमें भक्ति योग तक एकदम से पहुंचा देगा लिफ्ट है तो ये बड़ा ही सरल सुलभ हमारे लिए हो जाएगा सुलभ हो जाएगा जल्दी हो जाएगा है ना तो हमें बस भगवान के शब्दों में विश्वास करना है, है ना? भगवान और भी ये कहते हैं आठवें अध्याय में चौदह नंबर श्लोक में अनन्य चेता अनन्या चेता सततम योस प्रति नित्यश सुलभ पार्थ है ना नित्य युक्त अहम तो सुलभ पार्थ उसके लिए मैं बहुत आसान बना दूंगा जो कि अनन्य चेता जिसका मन नित्य मेरे में लगा हुआ है ना जिसका चेत जिसका मन नित्य मेरे में लगा हुआ है उसके लिए मैं बड़े ही इस भाग इसको सुलभ बना दूंगा है ना क्योंकि वह योगा में मुझसे जोड़ना चाह रहा है तो भगवान से अगर हम भक्ति योग भगवान से प्यार करेंगे तो हम लिफ्ट की तरह भगवान की तरफ लिफ्ट हो जाएंगे तो इसमें अध्याय में भगवान ये कहते हैं आपको अभी बताया प्रीति पूर्वकम कदा बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंती थे जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं तो यह है हमारी भक्तियों का जो लक्ष्य है वैसे पूर्ण होता है अगर हम निरंतर जाप में लगे हुए हैं भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं कि तुम कितनी आसानी आसानी तक आसानी से मुझ तक आ सकते हो तो वह यही बताना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कलयुग में कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे इसी के माध्यम से रा तुम मुझ तक आ सकती है ज्ञान योग और ध्यान योग इस कलयुग में करना बहुत असंभव है तो अब आज जो हमने पढ़ाया उसको हम थोड़ा सा सारांश में बताते हैं पहले सबसे पहले कर्म कांड सकाम कर्म इसमें था कि फलदाई कार्य करता है फल के लिए कार्य कर रहे हैं स्वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं इंद्र तृप्ति तो कर रहे हैं लेकिन विनियमित कर रहे हैं कंट्रोल तरीके से शास्त्रों के अनुसार पाप में नहीं लगे हुए हैं दूसरा हमने बताया कर्म योग जो कि निष्काम कर्म योग है इसमें परिश्रम करने की इच्छा है कार्य से हम आसक्त हैं लेकिन फल से आसक्त नहीं है दूसरा हमने बताया ज्ञान योग जिसमें फल का भी वह त्याग कर देते हैं कार्य को भी अस्वीकार कर देते हैं कि कोई कर्म ही नहीं करेंगे तो बंधन नहीं होगा और आंशिक ज्ञान और तपस्या में वह सम्मिलित होते हैं और ज्ञान द्वारा आत्मा से पदार्थ का अंतर कर पाते हैं तो ऐसे लोग ज्ञानी कहलाते हैं फिर ध्यान योग में हमने अष्टांग योग के बारे में देखा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा धारण और समाधि तो फल का भी त्याग कर देते हैं कर्म भी नहीं कर रहे हैं कर्म और कम होता जा रहा है और यहाँ पर तपस्या बढ़ती जा रही है धीरे 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 है ना मन और इंद्रियों पर बिल्कुल वश करते हैं वे वश में करके परमात्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये लोग ध्यान योगी हो जाते हैं है ना और आखिरी में भक्ति योग जिसे बुद्धि योग भी कई जगह भगवदगीता में कहा गया है तो वह है भक्ति योग पूर्ण ज्ञान में जब हमें ज्ञान हो गया है बिना किसी आसक्ति के सर्वोच्च भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति में जब हम लग जाते हैं तो वह भक्ति योग है और हमने देखा कि किसी भी अवस्था से कर्म कांड की अवस्था से भी हम भक्ति योग में जा सकते हैं कर्म योग से भी हम भक्ति योग में जा सकते हैं ज्ञान योग से भी हम भक्ति योग में जा सकते हैं ध्यान योग से भी भक्ति योग जरूरी नहीं है कि हमें हर सीढ़ी को पार करना है इसको हम एक उदाहरण से बताते हैं आपको कि विभिन्न योग अभ्यासों का प्राथमिक लक्ष्य तो इसमें हमने आपको बताया तो जो ज्ञान योगी होते हैं वे ब्रह्मण पर अपना केंद्र करते हैं है ना उनका जो गंतव्य होता है वह सोचते हैं कि मैं ब्रह्मण को जो कि भगवान की एक तरह की ज्योति है है ना जैसे कि सन की किरणें होती हैं तो वह उस किरणों तक अपना फोकस रखते हैं कि मैं ब्रह्मण तक पहुंच पाऊं है ना वह भगवान के जो रूप है स्वरूप है उस तक उनकी कामना नहीं होती वह सिर्फ उस ज्योति तक अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं और ध्यान योगी होते हैं वह परम सत्य के परमात्मा रूप पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो ध्यान योग का लक्ष्य होता है कि वह अपने ध्यान से परमात्मा पर अपने मन को लगा सके और जो भक्ति योगी है वह परम पुरुषोत्तम श्री भगवान के लिए अपना सब कार्य करते हैं तो ये भक्ति हो गया तो इनका प्राथमिक लक्ष्य इस तरह से परम सत्य की तीन अवस्थाओं में ध्यान होता है अब ये जो हमने बताए थे अभी आपको कि कैसे कर्म कांड से हम आगे जा सकते हैं जैसे कि वाल्मीकि जी थे पता है आप लोगों को वाल्मीकि जी पहले क्या थे और वो वाल्मीकि जी कैसे बने डाकू हाँ तो सभी को पता है कि वह डाकू थे है ना वे डाकू थे और उन्हें फिर नारद मुनि का संग मिलता है तो वे डाकू थे और उन्हें नारद मुनि का संग मिलता है और उससे बस वह सीधा अह वाल्मीकि जी ऋषि बन जाते हैं उनको इतना बड़ा रियलाइजेशन हो जाता है नारद मुनि की बातों से कि वह सीधा इस स्तर पर आ जाते हैं वाल्मीकि के स्तर पर तो ये हम कह सकते हैं कि कैसे पाप में वह व्यस्त था भागवत प्राचीन भरषित की भी कथा आती है जिसमें कि वह वह ही कर्मकांडी व्यक्ति था इंद्रिय तृप्ति के लिए बस अपना सब कार्य करना राज्य भोग करना ये करना तो कर्म के लेवल से उनका बढ़कर वह भक्ति योग में आ जाते हैं उनको जब नारद मुनि आकर ज्ञान देते हैं आप सामने नारद मुनि बैठे हैं तो वह फिर उच्च स्तर पर आ जाते हैं तो यह था कर्म कांड से कैसे कोई उच्च स्तर पर आ सकता है और फिर ध्रुव महाराज की कथा है तो ध्रुव महाराज जब जंगल जाते हैं तो उनकी कामना होती है कुछ ठीक है ना क्या कामना होती है कि मुझे अपने पिताजी से ही बड़ा राज्य चाहिए तो वह फल की इच्छा रख रहे थे यहाँ पर तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए तो उनकी माता उन्हें कहती है कि तुम्हें जंगल में जाके भगवान विष्णु को खोजना चाहिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए तो यहाँ पर जब वे भगवान से प्रार्थना करने के लिए मधुवन में जाते हैं और तपस्या करते हैं तो उन्हें फिर नारद मुनि मिलते हैं और नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि विष्णु का स्मरण करो तो वो ओम नमो भगवते वासुदा देवाय कहते हैं और इससे फिर विष्णु भगवान आते हैं तो उनकी शुद्धिकरण हो जाता है और उन्हें भक्ति मिल जाती है तो यहाँ पर यह है एक तरह से कर्म योग का हिस्सा है लेकिन इसमें थोड़ा सा सकाम भी मिक्स है सकाम कर्म योग कह सकते हैं इसको निष्काम नहीं क्योंकि शुरू शुरू में वह फल की प्राप्ति की इच्छा से कार्य कर रहे थे लेकिन उन्होंने भगवान को फिर भी बीच में रखा मतलब भगवान से वह प्रार्थना कर रहे थे कुछ भी प्राप्त करने के लिए तो इसको हम सकाम कर्म योग से वह सीधा कैसे भगवान को उनको मुलाकात हुई और वह भक्ति योगी बन गए और ऐसे ही चार कुमार हैं वह चार कुमार जब यहाँ पर वैकुंठ में आते हैं तो उनको विष्णु जब का दर्शन होता है तो वह है वहां पर एक जो विष्णु के चरणों में जो तुलसी होती है वह उनको मिलती है प्रसाद के रूप में तो उस तुलसी को ग्रहण करने से ये लोग भी जो ये ज्ञान ज्ञान योगी थे ये सारे चार कुमार तो इनका फिर उनको भगवान का स्मरण हो जाता है भक्ति योगी बन जाते हैं तो ज्ञान योगी से है भक्ति योगी में चले जाते हैं और विश्वामित्र ये ध्यान योगी थे ये बहुत ध्यान करते थे लेकिन फिर बाद में बीच में कथा आती है कि इनका ध्यान कैसे भंग हो जाता है मेनका के द्वारा लेकिन फिर जब कभी इनका बाद में रामायण में राम भगवान से मुलाकात होती है तो ये भी भक्ति योगी बन जाते हैं तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण है हमारी शास्त्रों में जिनके द्वारा हम बता सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम अगर भगवान हमें अपना हाथ दे रहे हैं भगवान की अगर हमारे पर कृपा हो जाती है तो हम किसी भी स्तर से बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं तो हमें हमारे खुद के प्रयासों पर इतना निर्भर न रहकर भगवान के ऊपर निर्भर रहना है तो इससे हम बहुत आसानी से अपना विकास कर सकते हैं भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं तो अब ये आज की आखिरी स्लाइड है तो हमने देखा कर्म कांड में हमने शास्त्रों के अनुसार कर्म किया कर्म योग में शास्त्रों के अनुसार कर्म तो करते हैं लेकिन अनासक्ति फल के प्रति अनासक्ति रखते हैं फिर हमने देखा ज्ञान योग यहाँ पर शास्त्रों के अनुसार कर्म है ही फल के प्रति तो अनासक्ति है ही डिटेचमेंट है लेकिन यहाँ ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान मुख्यतः होता है कर्म कम हो जाता है और धीरे धीरे जब हम ध्यान योग पे आते हैं तो हम शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहे हैं अनासक् अनासक्ति से कर रहे हैं ज्ञान भी है हमें लेकिन हम क्या इसमें ऐड हो जाता है ध्यान तो ये ध्यान योग बन जाता है और भक्ति योग में हम देखते हैं कि शास्त्रों के अनुसार तो है ही अनासक्ति है ज्ञान है ध्यान है लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है आप लोग बता सकते क्या है जो इसमें ऐड हो जाता है तो वो भक्ति योग बन जाता है प्रेम प्रेम के साथ भक्ति योग करने से हम पुराना सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि तो हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसको हम हमारा ध्यान कह सकते हैं हमारा मेडिटेशन कह सकते हैं और ज्ञान है हमें कि हम आत्मा हैं पदार्थ नहीं हैं और हमें आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है तो ज्ञानी तो हम हैं ही हम ध्यान भी कर रहे हैं और हम अनासक्त हैं क्योंकि हम हमारे जो कर्म के फल हैं, उनको भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो हम अपने फल से आसक्त नहीं है और शास्त्रों के अनुसार तो हम अपना जीवन जी रहे तो भक्ति योगी में ये सभी चीजें सम्मिलित हैं, इसीलिए भक्ति योग सर्वोच्चम है लेकिन इसमें भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम यह बहुत मुख्य है ठीक है तो यहाँ हमने आज थोड़ा सा योग के बारे में आपको समझाया अगली बार से हम निष्काम कर्म योग पढ़ेंगे तो ये हमने जरूरी समझा कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत योग के बारे में आप लोगों को समझ में आना जाना चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं तो अब आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं ठीक है तो हम दस बार हरिकृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे और ये समाप्त करेंगे